हाय फ्रेंड्स, आई एम शिबा। यू आर वॉचिंग एस्पेन टेक। दोस्त, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब कोई आपका व्हाट्सअप में आपका फ्रेंड या कोई भी आपको व्हाट्सअप में कुछ फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट सेंड करता है तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है और आपके गैलरी में सेव हो जाता है। आप नहीं चाहते हैं कि वो फोटो, वीडियो जो भी आपका फ्रेंड या कोई भी सेंड किया है तो वो ऑटोमेटिक ना डाउनलोड हो, तो आप किस तरह से वो सेटिंग को ऑफ कर सकते हैं जिस तरह कोई फोटो या वीडियो ऑटोमेटिक आपको गैलरी में ना सेव हो। आप जिस वाले फोटो या डॉक्यूमेंट्स, वीडियो जो भी आप चाहते हैं कि ये वाला फोटो और वीडियो डॉक्यूमेंट्स में अपने गैलरी में सेव करो, तो वो आप खुद मैनुअली कर सकते हैं। किस तरह से आप उस सेटिंग को ऑफ कर सकते हैं, मैं लेके चलता हूँ मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे, वहाँ मैं आपको। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ मेरा मोबाइल के स्क्रीन पे, आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपको सिंपली सी व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप व्हाट्सएप ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, चैट, स्टेटस, कॉल्स। आपको ऊपर थ्री डॉट दिख रहा है, ये थ्री डॉट में आपको कॉल करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन मिल जाएगा, आप सेटिंग पे क्लिक करना। उसके बाद आपको यहाँ देख सकते हैं डाटा एंड स्टोरेज यूजेस लिखा है, तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहां देख सकते हैं मीडिया ऑटो डाउनलोड, ये ऑप्शन आपको सामने खुल के आ जाएगा। वहां से आप देख सकते हैं आप किस तरह से अपने मोबाइल का जो डाटा यूज करते हैं, डाटा के थ्रू या वाईफाई के थ्रू या रोमिंग के थ्रू। तो मैं आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखाता हूँ, यूजिंग डाटा। आप जब मोबाइल डाटा ऑन करते हैं तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, मैं मेरा सिर्फ फोटो पे क्लिक करा है, आपको शायद इस तरह से कुछ होगा। तो आप जिस वाले ऑडियो या वीडियो या फोटो को आप ऑटोमेटिक डाउनलोड के हिसाब रख सकते हैं तो उसे आपको टिक करके ओके कर देना है। आप किसी को भी ऑटोमेटिक डाउनलोड के ऑप्शन में नहीं रखना चाहते हैं, मैनुअली डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको फोटो पर क्लिक करके ऐसे ऑन टिक, सारे के सारे ऑन टिक करके ओके कर देना है। तो आपका सब कुछ और मैनुअली हो जाएगा। जो आप जूस वाले फोटो या वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो डाउनलोड होगा, नहीं तो नहीं होगा। उस तरह से आपको वाईफाई भी सिंपली सी वही वाला सेटिंग कर लेना है। आपको जो भी वाला फोटो की, वीडियो की, डॉक्यूमेंट चाहिए कि हाँ मुझे ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाए, और आप नहीं चाहते कि ऑटोमेटिक ना हो, तो आपको ऑन टिक करके ओके कर देना है। सिंपली सी सारे ऐसे हो एंड रोमिंग भी आपको इस तरह से करना है। तो मेरा सिंपली, मैं चाहता हूँ कि मेरा फोटो जो है वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाए, मैंने सभी फोटो पर क्लिक करके ओके कर दिया है। आप इस तरह से अपने वीडियो और फोटो को ऑटोमेटिक या मैनुअली कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा, और ज़्यादा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं इसी तरह ट्रिक एंड ट्रिक्स वीडियो लाता रहता हूँ।